वीडियो पे हम बात करने वाले सिंचैन के बारे में। अब यार देखो, बचपन में तुम लोगों ने सिंचैन बहुत देखा होगा और तुम लोग का फेवरेट होगा, है ना, और हो सकता है तुम लोग अभी भी देखते हो। तो यार सिंचैन कैसे मरा, सिंचैन की डेथ कैसे हुई, सिंचैन का वो कौन सा लास्ट एपिसोड था जिसपे सिंचैन मरते हुए दिखाई दिया, और ये लड़का जो स्क्रीन पे बन के आ रहा है, क्या ये सिंचैन है असली में? तो यार असली में सिंचैन कौन था जिसके ऊपर ये कार्टून बना? तो यार यही सब जानने वाले आज की वीडियो पे, तो वीडियो को एंड तक देखो। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो यार इस कहानी की शुरुआत होती है 1970 में, जब जापान के एक छोटे से शहर में बहुत ही खुशहाल परिवार रहता था जिसमें हिरोशी और उसकी वाइफ मिसाई रहती थी। अब यार देखो, मिसाई के दो बच्चे थे, लड़का जो था उसका नाम था सिंचैन और लड़की जो थी उसका नाम था हिमावारी। अब यार देखो, इनके साथ एक प्यारा सा छोटा सा कुत्ता भी रहता था। तो यार सिंचैन तो शुरुआती से बहुत ज्यादा शैतान था बचपन से ही। इसके अलावा वो कभी स्कूल जाता ही नहीं था, और जब स्कूल जाता था तब अपने टीचर्स को बहुत ज्यादा परेशान करता था, बहुत ज्यादा तंग करता था। इसके अलावा वो कभी स्कूल का होमवर्क नहीं करता था, वो बहुत ज्यादा शैतान था। लेकिन जितना सिंचैन शैतान था ना, उतना ही वो समझदार था। वो अपने कुत्ते सीरो और अपनी बहन हिमावारी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। जब भी सिंचैन के माता पिता कहीं बाहर घूमने जाते या किसी काम से जाते तो उन दोनों बच्चों को वो घर में ही छोड़ देते थे उस कुत्ते सीरो के साथ, और वो तीनों बहुत अच्छे से रहते थे। तो यार एक दिन क्या हुआ कि सिंचैन के पापा को बहुत जरूरी काम आया और उनको दूसरे शहर निकलना पड़ा। अब यार सिंचैन की माँ को शाम को याद आया कि घर में कुछ जरूरत वाली चीजें हैं जो खत्म हो चुकी हैं। फिर उन्होंने घर के बाहर देखा तो बहुत तेजी बारिश हो रही थी, बहुत तेजी तूफान आ रहा था। तो उन्होंने सोचा इसी स्थिति में हम अपने बच्चों को घर पे नहीं छोड़ेंगे, और उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को अपने साथ शॉपिंग करने ले गई। जैसे ही ये लोग शॉपिंग करने दुकान पहुंचे तो वहाँ पे इन्होंने देखा कि बारिश धीमी हो गई। फिर सिंचैन की माँ शॉपिंग करने लगी और वो शॉपिंग करते करते इतना व्यस्त हो गई कि वो भूल गई कि मेरे बच्चे भी मेरे साथ आए। फिर सिंचैन की नजर जैसे ही उसकी छोटी बहन पे पड़ी तो उसने देखा कि ये तो खेलते खेलते रोड पे पहुंच गई, और वहाँ पे बहुत तेजी तेजी गाड़ी चल रही थी। तो उसने आवाज मारी, अरे हेमावारी मेरी बहन, रुक जाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा, चोट लग जाएगी, वापस आ जाओ। लेकिन उसकी बहन को सिंचैन की आवाज बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी। फिर सिंचैन ने देखा कि मेरी बहन के सामने बहुत तेजी ट्रक वाला आ रहा है। फिर वो अपनी बहन को बचाने के लिए उस ट्रक के सामने कूद गया, और उस ट्रक एक्सीडेंट में दोनों ही भाई बहन मारे गए। मतलब यार सिंचैन और उसकी बहन दोनों ही मर गए उस ट्रक एक्सीडेंट से। जब ये सब इनकी माँ ने देखा तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुई, और जब ये बात सिंचैन के पापा को पता चली तो वो इतना नाराज हो गए कि इनकी माँ से बोलना बंद कर दिया। और यार वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई इनकी माँ, क्योंकि यार जब किसी के बच्चे उनकी आंखों के सामने मर जाएंगे तो दुख तो होता है ना। तो वो भी उस तरीके से सोच में चली गई और एक किताब में अपने बच्चों की चित्र बनाया करती थी, यानी आर्ट बनाया करती थी, और सोचती थी कि मेरे बच्चे होते तो अभी ये शैतानी कर रहे होते, मैं उन्हें मारती, फिर वो भागते, ऐसा ऐसा सोचा करती थी। फिर यार कई साल बीत जाने के बाद ये न्यूज एक कार्टून क्रिएटर योशितो उसाई को मिली, जिन्होंने सोचा कि इस पे तो मैं कार्टून बनाऊंगा, और उन्होंने वो कार्टून बनाया सिंचैन। हाँ यार मैं जानता हूँ, अब कुछ लोग पूछेंगे भैया सिंचैन का वो कौन सा एपिसोड है जिसमें सिंचैन मरते हुए दिखाई दिया या सिंचैन की डेथ हुई है। तो यार हम तुमको बता दें, जिन्होंने कार्टून बनाया ना सिंचैन योशितो उसाई, उन्होंने कहा है कि इसका कभी लास्ट एपिसोड आएगा ही नहीं जिसमें सिंचैन मरते हुए दिखाई दिया, क्योंकि अगर गलती से भी बच्चों ने ये सीन देख ली तो उनके दिमाग पे गलत असर पड़ेगा और उनको दुख होगा कि उनका प्यार सिंचैन मरा भी था, इसलिए कभी वो लास्ट एपिसोड रिलीज ही नहीं होगा। भले ही सिंचैन बड़ा होता दिखाई देगा कार्टून में, लेकिन मरता हुआ नहीं दिखाई देगा।